टॉयपिक बेन 10 का एक ऐसा एलियन जो कि ज्यादा पावरफुल तो नहीं है और ना ही ज्यादा हैंडसम है, मगर टॉयपिक के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी को भी डरा सकता है। वो हमारे नंबर 1 पावरफुल एलियन एलियन एक्स को भी हरा सकता है। मगर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें टॉयपिक नहीं डरा सकता या फिर नहीं हरा सकता। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, टॉयपिक की एबिलिटी है अपना फेस दिखाकर किसी को भी डराना, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो 4 कैरेक्टर बताऊंगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो टॉयपिक को आराम से हरा देंगे। अब मैं इस लिस्ट को टॉप 5 की बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने काफी ज्यादा सर्च भी किया, मगर मेरे को कैरेक्टर 4 ही मिले। अब मैं जबरदस्ती किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने टॉप 4 की ही लिस्ट बना ली। टॉप 4 ऐसे कैरेक्टर जो कि टॉयपिक से डरेंगे ही नहीं। हाँ, सर्च करोगे तो ऐसे बहुत कैरेक्टर निकल जाएंगे जो कि टॉयपिक को हरा सकते हैं, लेकिन उनके 100% चांसेस नहीं है कि वो टॉयपिक को हरा ही सके या फिर टॉयपिक का फेस देखकर ना डरे। मगर इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप 4 कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, टॉयपिक को वो आराम से हरा के वापस आ जाएंगे। नंबर 4, वल्पी मैंसर। अब वल्पी मैंसर यानी कि वाइल्ड मट को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। वाइल्ड मट की जो स्पीसीज होती हैं उनकी आंखें नहीं होती हैं, और बेन 10 के क्रिएटर्स ने ये कंफर्म किया है कि वाइल्ड मट की स्पीसीज आराम से टॉयपिक के सामने जा सकती हैं और टॉयपिक उन्हें नहीं डरा सकता और वो आराम से टॉयपिक को हरा सकती हैं। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, भले ही वल्पी मैंसर यानी कि वाइल्ड मट देख ना सकते हो, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अच्छे खासे विजन रखने वाले बंदे को भी फेल कर दें। और जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारा वाइल्ड मट भी इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, और जो हमारा वाइल्ड मट है वो टॉयपिक की बॉडी को सेंस करके आराम से टॉयपिक को हरा सकता है। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, टॉयपिक के पास उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत है टॉयपिक के पास स्ट्रेंथ, मगर उतनी अच्छी नहीं है, और टॉयपिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं कर सकता क्योंकि टॉयपिक अपना फेस दिखाकर ही सामने वाले बंदे को डराता है, और टॉयपिक का शरीर जो है वो काफी ज्यादा भारी होता है। अगर वाइल्ड मट उसके ऊपर चढ़ गया तो टॉयपिक आराम से उठ नहीं पाएगा और टॉयपिक ढंग से देख भी नहीं सकता। हाँ, टॉयपिक भी बेन 10 का ऐसा एलियन है जो कि ढंग से देख नहीं सकता क्योंकि उसके फेस में एक जेल सी बनी हुई है ताकि वो हर किसी के सामने ना खुल जाए और वो हर किसी को डराता ना फिरे। और अभी तक तो ये बताया नहीं है कि टॉयपिक का जो हेलमेट है वो ओमनीट्रिक्स ने ही उसे प्रोवाइड किया है या फिर टॉयपिक की स्पीसीज इस हेलमेट को पहनती हैं। मुझे तो लगता है शायद ओमनीट्रिक्स ने ही ये प्रोवाइड किया है टॉयपिक को, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स में जो गोस्ट फ्रेक था उसके पूरे के पूरे शरीर पर चैन थी जो कि उसे ओमनीट्रिक्स ने प्रोवाइड की थी, और हमने गोस्ट फ्रेक की स्पीसीज देखी हैं, वो कोई भी चैन वगैरह नहीं पहनती, और बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक गोस्ट फ्रेक भी कोई चैन वगैरह नहीं पहनता था। वैसे ही कुछ टॉयपिक के साथ हुआ होगा। अब ये मेरी फैन थ्योरी है, इसको सच मत समझ लेना, शायद सच भी हो सकता है। नंबर 3, मार्व रीडल। अब मार्व रीडल को आप बेन 10 के यूनिवर्स का दूसरा टॉयपिक कह सकते हो। हालांकि ये टॉयपिक की तरह हर किसी को तो नहीं डरा सकती, मगर ये विलगेक्स को डरा सकती है जो कि 10 दुनियाओं का विजेता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा, मार्व रीडल कितनी ज्यादा पावरफुल है, और मार्व रीडल को टॉयपिक का फेस देखने से कुछ भी नहीं होता, इसीलिए मैंने शुरुआत में मार्व रीडल को दूसरा टॉयपिक बोला। अब ये तो मार्व रीडल की स्पीसीज के पास एबिलिटी नहीं है कि वो का फेस देख के ना डरे, मगर मार्व रीडल में ही ऐसी एबिलिटी है जो कि टॉयपिक का फेस देख के उन्हें डर नहीं लगता, और ये बेन 10 के क्रिएटर्स ने ही कंफर्म कर दिया है। अब देखो, टॉयपिक की एबिलिटी तो है अपना फेस दिखाकर किसी को डराना, मगर कोई उससे भी बुरा हो, मतलब कि उससे भी गंदा हो या फिर उससे भी बुरा हो, यानी कि मार्व रीडल जो है टॉयपिक से भी ज्यादा बुरी है। अब एक थ्योरी के अकॉर्डिंग टॉयपिक का फेस देखने वाले को उसके अंदर सबसे बड़ा स्केयर यानी कि उसका सबसे बड़ा डर दिखता है, और ऐसी बात नहीं है कि मार्व रीडल के अंदर कोई भी डर ना हो। मार्व रीडल को भी अपने बच्चों को खोने का डर है, मगर मार्व रीडल तो मशीन से बच्चे बनाती हैं, मतलब कि मशीन, खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मार्व रीडल के पास भी उनका डर है, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी होगी जिसकी वजह से वो अपने स्केयर पर कंट्रोल कर पाए, मतलब कि उनके सबसे बड़े डर पर कंट्रोल कर पाए। नंबर 2, डायगन। डायगन एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बींग है, और ऐसी बात नहीं है कि डायगन का साइज बहुत
है और टॉयपिक के फेस का साइज बहुत छोटा है, इसकी वजह से टॉयपिक से वो नहीं डर सकता। बैंकटेन के यूनिवर्स में वेविक और अल्टीमेट वेविक भी टॉयपिक का फेस देखकर डर सकते हैं। तो यार देखो, डायगन के पास अपने स्केयर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होगी या फिर उसने टॉयपिक के फेस से भी बुरी चीजें देखी हैं। अब ये तो बैंकटेन के क्रिएटर्स ने ही बताया है कि डायगन और मां ब्रिडल टॉयपिक का फेस देखकर नहीं डर सकते क्योंकि वो वॉर्ड्स हैं। वॉर्ड्स का मतलब होता है बुरे से भी बुरा, या फिर आप गूगल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। नंबर वन, प्रोफेसर पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स वर्ड सुनकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितने बड़े पैराडॉक्स हैं। मतलब कि ऐसी बातें हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में जो कि अभी किसी को नहीं पता। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक साइंटिस्ट हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम वॉकर बन गए थे। और पैराडॉक्स का मतलब होता है जो सच भी है और झूठ भी है, मतलब कि जिस पे यकीन भी नहीं कर सकते और मजबूरी में भी यकीन करना पड़ता है। यानी कि प्रोफेसर पैराडॉक्स हमारे सामने तो दिख रहे हैं मगर हम यकीन नहीं कर सकते कि वो हमारे सामने दिख रहे हैं। अब पैराडॉक्स को बैंकटेन के यूनिवर्स का गॉड मत समझ लेना। खैर जो भी हो, प्रोफेसर पैराडॉक्स टॉयपिक का फेस देखकर डर नहीं सकते। और यार ये एबिलिटी तो प्रोफेसर पैराडॉक्स की बहुत ही बड़ी एबिलिटी है और ये बैंकटेन के क्रिएटर्स ने कंफर्म किया है, मैंने कंफर्म नहीं किया। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अब होगा गजब। भड़वे, आज तू बोलेगा डैडी, बोल डैडी, बोल डैडी।